रामचंद्र सुबुद्धि पूछ रहे हैं, जेएसपीएल का 250 वाला कॉल लेकर बैठे हैं, ये 13 रुपए की खरीद है, क्या होगा आगे? आज देखिए थोड़ा सा स्टॉक मोमेंटम लूज कर रहा है, मुनाफा वसूली में है, किरण क्या किया जाए? नहीं, मैं इसको मुनाफा वसूली का नाम नहीं दूंगा, मैं तो कंसोलिडेशन का ही नाम दूंगा। बहुत वर्टिकल रैली कल देखी थी और उसी के साथ एफएनओ बैन में भी आ गया है, तो मेरा मानना है कि तो अगले 2-3 सेशन शायद ये साइडवेज चलेगा, पर जो मोमेंटम है मुझे लगता है कि ये 265-270 के लेवल्स इसी सीरीज में देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। चलिए होल्ड करना चाहिए स्ट्रेट। डिश टीवी में योगेश सिंगला पूछ रहे हैं, 200 शेयर हैं 85 रुपए 5 पैसे पर, क्या होल्ड करना चाहिए इनको? किरण कॉस्ट निकलेगा, प्रॉफिट बनेगा? मुझे सुनाई नहीं दिया अर्चना जी। डिश टीवी 85 की खरीद, डिश टीवी 85 की खरीद होल्ड करने की सलाह होगी। अच्छा खासा बेस बिल्डिंग हो चुका है और बढ़त के साथ वॉल्यूम भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड देखने में मिल जानी चाहिए। ऑन द हायर साइड एक छोटा सा रेजिस्टेंस है करीबन 86.50 का, ये अगर निकल जाए तो भी एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि 94-96 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। प्राज ने देखा अच्छी खासी तेजी बनी हुई है और बैंक निफ्टी भी वैसे परफॉर्म कर रहा है। किरण हमारे साथ है और किरण से कुछ स्टॉक्स पर कॉल ले लेते हैं जहां पर आज सुबह से काफी एक्शन है। किरण, आज का तो स्टॉक परफॉर्मर आइडिया ही है, मौका है या फिर गाड़ी आके काफी आगे निकल चुकी है? काफी आगे निकल चुकी है और 116 से 120 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो पिछले स्विंग हाईज है जो कि करीबन फरवरी 2017 के करीब थे, उनको लांगना बहुत डिफिकल्ट होगा। और वैसे भी हमने 90 से लेके 116 तक एक वर्टिकल रैली दिलाई है, तो मेरा मानना है कि इधर थोड़ा सा टाइम करेक्शन होगा और उसके बाद वापस एक बार ये आइडिया का स्टॉक ऊपर चलना चालू कर देगा। इवेंचुअली अगले 1.5-2 महीने में 144 तक जा सकता है, पर अभी के लिए मेरा मानना है कि इस 2-3 रुपए रेंज में अटकता नजर आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय फिलहाल। ओपन इंटरेस्ट एडिशन स्टॉक में होता दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार है दोनों चार्ट्स। मेरा मानना है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में तो ये जो ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच रहा है जो कि मार्च 2015 के करीब आ रहा है, तो ये इनके टॉप्स टेस्ट करता नजर आएगा, तो इधर से और 40-50 पॉइंट्स की तेजी आपको कल तक देखने को मिल जानी चाहिए। यूनाइटेड ब्रिवरीज की बात करें तो इधर भी मेरा मानना है कि काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, चार स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद चल रहा है, करीबन 2.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आज ये स्टॉक वापस निकला है, तो इधर लॉन्ग करने की सजेशन रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1116 का और टारगेट्स अगले एक हफ्ते के अगर पकड़ते हैं तो मेरा मानना है कि 1230 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 1230 के लेवल्स के लिए यहाँ पर कर सकते हैं तेजी, तो लीगर शेयरों में। किरण जरा आप बताइए, जस्ट डायल पर जो पोजीशन बन रही हो, बड़े दिनों बाद स्टॉक और मेरे ख्याल से कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत तो हैं और दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है, तो कुछ तो बड़ी चीज होने की तैयारी है यहाँ पर, बताइए जरा। बिल्कुल अनिल जी, मैंने अभी ऑप्शन स्ट्रेटेजी इसमें ही बताई थी कि 570 का कॉल ऑप्शन लेने के लिए सलाह, 550 का कॉल ऑप्शन लेने के लिए सलाह दी थी, तब 26-27 रुपए ट्रेड कर रहा था, अभी करीबन 35 रुपए ट्रेड कर रहा है और मैंने कहा था 40 के टारगेट्स कल सोमवार मंगलवार तक देखने को मिल जाएंगे। पर जो चार्ट पैटर्न है अनिल जी, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है और दो तरह के ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न है, तो इधर से बहुत बड़ी फंडामेंटल चेंज शायद आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल बने रहे और अगर इस पूरे महीने में ये कॉल ऑप्शन रहेंगे कंसिस्टेंटली रहते हैं इस ट्रेड में, तो मेरा मानना है कि 40 का टारगेट नहीं, 70-80 का टारगेट सबको देखने को मिल जाने चाहिए। 70-80 तक। आप भी वागले साहब पर थोड़ा आपका पुणे कनेक्शन बताइए कि सिंटेक्स प्लास्टिक चार्ट सेम है ना आपके भी पास? बिल्कुल बिल्कुल, सिंटेक्स प्लास्टिक्स में मुझे लगता है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड मिल जानी चाहिए और अभी करंटली 87 पे ट्रेड कर रहा है, 83 का स्टॉप लॉस रहेगा और 98-99 के लेवल्स जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए।